हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ, धनुष्बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश न कीजिए। पाते ना करो, कर्म करो कर्म। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें तक कर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डिंगे मारते रहते हो, और आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बात न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं, भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हर धर्मी पर उतर आए हो, सिद्धि तो तुम सदा सही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ, धनुष्बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश न कीजिए। पाते ना करो, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए।
भैया मुझे क्षमा करना। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं, इनकी रक्षा कर रहा हूं।